नमस्कार, मैं ममता नेगी, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आज दो बयान सामने आए हैं, एक भारत को लेकर और दूसरा WHO को लेकर। पहले आपको बता दूं कि भारत को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। रविवार को डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन आता है और वो फोन पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन नाम की दवा की मांग करते हैं। आपको बता दें कि ये दवा मलेरिया की है और इस वक्त कोरोना वायरस के इलाज के लिए उपयुक्त मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को आश्वासन दिया। इसके बावजूद भी मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है और वो कहते हैं कि अगर भारत अमेरिका को ये दवा नहीं देता है तो अमेरिका भारत के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगा, भारत को कड़ा जवाब देगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर भारत में खूब राजनीति हुई। विपक्षी दलों ने भारत सरकार को ये कहा कि वो अमेरिका के दबाव में कोई काम ना करे। इसके 24 घंटों बाद यानी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आता है और वो कहते हैं कि भारत एक महान देश है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शानदार आदमी है और भारत अमेरिका को ये दवा दे रहा है। हालांकि भारत ने पहले भी ये दवा देने से इनकार नहीं किया था, लेकिन ये अमेरिका के राष्ट्रपति ही हैं जो अपने पलटते बयानों के लिए जाने जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को लेकर क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि WHO चीन के लिए पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहा है। WHO का पूरा ध्यान चीन पर ही है, WHO चीन का साथ दे रहा है, इसलिए अब अमेरिका WHO को दी जाने वाली फंडिंग को खत्म करने पर विचार करेगा। ये अमेरिका के राष्ट्रपति का बहुत बड़ा बयान है। पिछले काफ़ी समय से WHO पर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो चीन का साथ दे रहा है। कोरोना वायरस को छिपाने में जितना जिम्मेदार चीन है उतनी ही जिम्मेदारी WHO की भी है। लेकिन ये सारे बयान अभी तक दबी जुबान में सामने आ रहे थे, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सामने आकर मीडिया के सामने ये बयान दिया है। हालांकि इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस और वुहान वायरस के नाम से भी बुला चुके हैं, लेकिन जब G20 देशों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई वहां पर चाइना के राष्ट्रपति भी मौजूद थे और अमेरिका के राष्ट्रपति भी मौजूद थे, लेकिन वहां पर चाइनीज वायरस या वुहान वायरस तो छोड़ो, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस पर भी कोई बातचीत नहीं की। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति WHO के खिलाफ दिए गए अपने इस बयान पर टिके रहते हैं या फिर हमेशा की तरह ही अपने बयान से पलट जाते हैं। कोरोना से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का WHO पर हमला, कहा चीन पर देता है ध्यान, रोकेंगे फंडिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने WHO को लेकर चीन पर अधिक ध्यान देने का आरोप लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को अमेरिका से बड़े पैमाने पर धन मिलता है। मैंने चीन के लिए यात्रा पर बैन लगाया तो मुझसे असहमत थे और उन्होंने यानी कि WHO ने मेरी आलोचना की। ये बहुत सारी चीजों के बारे में गलत थे। ऐसा लग रहा है कि उनका चीन पर ज्यादा ध्यान है। हम WHO पर खर्च की जाने वाली धनराशि पर रोक लगाने जा रहे हैं। The WHO, that's the World Health Organization, receives vast amounts of money from the United States, and we pay for a majority, a biggest portion of their money. And they actually criticized and disagreed with my travel ban at the time I did it. And they were wrong. They've been wrong about a lot of things. And they had a lot of information early, and they didn't want to, they seemed to be very China-centric. डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि वो विश्व स्वास्थ्य संगठन पर बड़ी रोक लगाने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के इस निकाय के फंडिंग का बड़ा स्रोत अमेरिका है। अमेरिका पहले का नारा देने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम WHO पर खर्च किए जाने वाले धन पर रोक लगाने जा रहे हैं। ट्रंप पहले भी संयुक्त राष्ट्र के तहत काम करने वाली एजेंसियों को निशाने पर ले चुके हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि WHO के लिए खर्च किए जाने वाले कितने पैसों पर रोक लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, हम फंडिंग खत्म करने पर विचार करेंगे। Thanks. A quick follow-up on that. So is the time to freeze funding to the WHO during a pandemic? No, maybe not. I mean, I'm not saying I'm going to do it, but we're going to look at it. You did say that. We give a tremendous... No, I didn't. I said we're going to look at it. We're going to investigate it. We're going to look at it. But we will look at ending funding. डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक WHO चीन की ओर बहुत पक्षपाती प्रतीत होता है।
ये सही नहीं है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए चीन से आने वाले विमानों पर रोक लगाने का जिक्र करते हुए ट्रंप ने पूछा कि WHO ने इस तरह की दोषपूर्ण सिफारिश क्यों की है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रैवल बैन लगाने के अपने फैसले का जिक्र करते हुए ट्वीट किया, सौभाग्य से मैंने चीन से अपनी सीमाएं जल्द खोलने की उनकी सलाह को खारिज कर दिया। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया है जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस से निपटने को लेकर अपने रवैये पर ट्रंप खुद भी आलोचना के घेरे में है और WHO भी पिछले काफी समय से चीन का साथ देने और कोरोना वायरस की जानकारी छुपाने के लिए निशाने पर है। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट reportsindia.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही रिपोर्ट्स इंडिया को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं।